हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश। उसमें हम देखने वाले हैं यूनिट 5, उसका नेम क्या है, जू मैनर। उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग इज फन। व्हाट डू यू सी एट द जू? व्हाट डू यू सी एट द जू? आगे वाले वीडियो में हमने वो पोयम को एक्सप्लेन करके पढ़ा था, तो उस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी एट द जू? तुम चिड़ियाघर में क्या देखते हो? तो उसका आंसर हम लिखते हैं, तुम चिड़ियाघर में क्या देखते हो? तो हम उसका आंसर हम लिखते हैं, वी सी वेरियस। चिड़ियाघर में हम लोग क्या देखते हैं? वी सी वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द जू। हम चिड़ियाघर में क्या देखते हैं? तो वी सी वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द जू। तो हम चिड़ियाघर में क्या देखते हैं? वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्या देखते हैं? अलग अलग प्रकार के प्राणियों और पक्षियों। देन सेकेंड, What does the camel have on its back? ऊंट की पीठ पर क्या होता है? तो ऊंट की पीठ पर क्या होता है? ऊंट की पीठ पर क्या होता है? What does the camel have on its back? ऊंट की पीठ पर क्या होता है? तो उसका आंसर हम लिखते हैं, सेकेंड का आंसर लिखते हैं हम, द कैमल हैज A hump, H-U-M-P, hump, on its back, Then third, have you been to a zoo? क्या तुम कभी चिड़ियाघर गए हो? आप कभी चिड़ियाघर गए हो? तो yes. उसका आंसर हम लिखते हैं, आप कभी चिड़ियाघर गए हो? तो उसका आंसर हम लिखते हैं, यस आई हैव बीन टू अ जू। यस आई हैव बीन टू ए जू। यस हम लोग चिड़ियाघर में गए हैं। नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू। Say the names in your own language and then in English. उस क्वेश्चन में क्या कहा है? लेट्स टॉक में सेकेंड क्वेश्चन में लेट्स टॉक करके हमको सेकेंड क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या कहा है? जिन जानवरों को तुमने चिड़ियाघर में देखा है उनके नाम बताओ। पहले अपनी भाषा में बताओ, बाद में अंग्रेजी भाषा में बोलना है, लेकिन हम उसका आंसर बुक में लिखेंगे। तो हम आप लोग चिड़ियाघर में जाते तो कौन से टाइप्स के एनिमल्स देखे? तो हम लोगों ने क्या देखा है? आप हमारी भाषा में हम क्या बोलते हैं? हाथी, जिराफ, इस तरह से हम गुजराती में बोलते हैं ना, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे एलिफेंट जिराफ टाइगर आउल और देन लायन वुल्फ डियर मंकी एक्सेट्रा। हम इस जानवर को हम जू में देखते हैं ना, जू देखने के लिए जाते हैं चिड़ियाघर देखने के लिए, तो हम इस डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को हम लोग देखते, तो हम उसका आंसर लिखते हैं, तो उसका नेम हम लिखते हैं एलिफेंट टाइगर मंकी लायन देन जिराफ
then wolf, etc. Third number का question. Name the animals you like the most. Why? Name the animals you like the most. Why? जिन जानवरों को तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो उसका नाम, जिन जानवर से आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो उसका नेम लिखना है, और क्यों उसको पसंद करते हो आपको बताना है. तो आपको जो भी एनिमल्स पसंद हो उसका नेम लिखना, और वो क्यों पसंद करते हो उस एनिमल को वो आपको लिखना है. Then four. Did you feed any animals at the zoo? Should we test animals? क्या कहा है? Did you feed any animals at the zoo? Should we test animals? क्या तुमने चिड़ियाघर में किसी जानवरों को खाना खिलाया है? क्या उसे उस जानवरों को छेड़ना चाहिए? आप चिड़ियाघर गए हो तो किसी भी एनिमल्स या किसी भी जानवर को आपने खाना खिलाया है, तो हम लोगों को उस जानवरों को छेड़ना चाहिए? तो हम उसका आंसर लिखते हैं, यस आई फीड एनिमल. हमने देखा है ना, यस हमने खाना खिलाया, यस आई फीड एनिमल्स एट द जू. नो वी शुड नेवर टेस एनिमल्स. नो वी शुड नेवर टेस एनिमल्स. हमको जानवरों को छेड़ना चाहिए नहीं. देन नाउ लेट्स लिस्टन एंड पुट अ ट्रेटिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज. टीचर्स द्वारा कहे गए शब्दों को सुनो और उन पर सही चिन्ह लगाना. टीचर आपको जो भी लिस्टन करते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको सुनना है और उस पर सही निशाना लगाना. तो हम लगाते हैं मज, फोन, मज पे और वेल पे, और एट. टीचर बोलते हैं ना एट, फोन, मज, वेल, थिंक. देन नाउ से अलाउ. बम BUMP bump, HUMP hump, DUMP dump, CROWD crowd, CRO crow, CLOD cold, CLAW claw, NOISE noise, PRIZD price, SIZD size, PIES peace, FLIES flies. Let's sing and act. Elephant walks that this and that so tall so fat. Elephant walks this and that so tall so fat. वो tall है और fat है, ज़्यादा है. He has no finger. उसको fingers नहीं है. He has no some toes. But oh my goodness, what a big nose. उसका कितना लंबा nose है. Make sentence using this and that. आपको this and that का यूज करके sentence बनाना है. तो हम बनाते हैं this is a pen. First बनाते हैं हम this is a pen. सेकेंड दैट इज माई बाइसिकल. दैट यूज करके हम बनाते हैं दैट
is my bicycle. BICYCLE bicycle. BICYCLE bicycle. That is my bicycle. Then third भी बना सकते. This is a book. This का यूज करके. This is a BOOK book. आप दूसरा भी आपको आता है तो आप दूसरा भी that और this का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो और वहां पे लिख सकते हो. Then now तो आपको उसमें पता चल गया this and that का यूज करके हमने सेंटेंस बना. This is a pen. That is my bicycle. This is a book. दूसरा भी हम बना सकते. This is a girl. That is a this is a दूसरा भी हम बना सकते. आपको जो भी आता है आप लोग दूसरा बना सकते हो. तो आई होप कि आपको उसमें पता चल गया. आगे वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वो सब अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिख देना.